हेलो जी, नमस्कार मित्रों। हेल्थ का मामला चैनल पर आज चर्चा करेंगे एक्यूप्रेशर फिजियोथेरेपी के एक्सपर्ट सीनियर मास्टर फिजियोथेरेपिस्ट श्री प्रमोद कुमार सिन्हा जी। सर, आपका वेलकम। और आज बहुत भाग्य की बात है कि आज इस थेरेपी में इतने सालों से प्रैक्टिस करने वाले सर जो मुंबई में हमारे बीच हैं और आज उनका वृक्षारोपण हुआ है यहाँ पूरा दिन, और अभी उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जा रहा है। सर बताइएगा, भारत के अंदर ये सुजोग जो पद्धति है इसका विकास डेवलपमेंट, जैसे एक्यूप्रेशर तो चलता ही था, तो ये सुजोग कोरियन जो शब्द लेके आए पार्क साहब, तो उसका विकास कैसे और अब तक उसकी क्या स्थिति चल रही है? जी, ये ऐसा है कि ये प्रोफेसर पार्क देओ ने 1986 में इसका खोज किया था, लेकिन इंडिया में वो 94 के आसपास में वो आए थे और बहुत लोगों को उन्होंने सिखाया। जी, सुजोग। सु का मतलब होता है हाथ, जोग का मतलब पैर। हाँ। और ये पहले से जो एक्यूप्रेशर इंडिया में चल रहा था उसका एक एडवांस और साइंटिफिक ये तरीका उन्होंने बताया, और आसान तरीका बताया। और इसमें क्या है कि आप एक्यूरेट पॉइंट पर किसी भी बीमारी के एक्यूरेसी पर जा सकते हैं कि एग्जैक्ट ये पॉइंट है और इसके पॉइंट हाथ में और पैर में मिलते हैं। यानी कि आपके पास दो दो हाथ का क्लिनिक हो गया और दो पैर का, यानी चार क्लिनिक हो गया और चारों पर आपको पॉइंट मिलेगा पूरे शरीर के किसी भी ऑर्गन का, किसी भी बॉडी पार्ट का। एक तकलीफ का चार इलाज, चार इलाज। ओके, चार इलाज में आप एक से भी ठीक कर सकते हैं, अगर चारों कर ले तो आप कई गंभीर बीमारियों को भी ठीक कर, जल्दी ठीक हो जाएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ठीक है सर, हम जानना चाहेंगे कि सुजोग के अंदर जैसा आप आज क्लास में पढ़ा रहे थे और बोर्ड पे भी सामने लिखा हुआ है ट्रायल ओरिजिन और सिक्स की और ये स्माइल सुजोग, तो सर ये ट्रायल ओरिजिन और सिक्स की क्या है? देखिए, ये ट्रायल ओरिजिन जो है सुजोग का खोजने के बाद प्रोफेसर पार्क जी उन्होंने इसके फंडामेंटल थ्योरी पर गए और इनका मूल रहस्य क्या है उसको निकाला कि किस सिद्धांत से ये सारा ये ब्रह्मांड या दुनिया रचित हुआ है और उसमें कौन सब शक्तियां काम कर रही है। जी। तो ट्रायल जीनोम में उन्होंने चार शक्तियां निकाली थी, न्यूट्रो, हेट्रो, होमो और न्यूट्रो। ओके, चार शक्तियां निकाली और इन शक्तियों को उन्होंने बहुत ही क्लासिफाई इतना बेहतर ढंग से किया कि इन शक्तियों से, चार शक्तियों से सिक्स की निकल के आ गया। पहले तो सिक्स की ऊर्जा, ये तो सिक्स की ऊर्जा है, लेकिन ये पूर्व में पहले फाइव एलिमेंट इंडिया में भी था, चाइना में भी था, पंचतत्व है ना, पंचतत्व तो इंडिया का फेमस भी हुआ। जी, लेकिन प्रोफेसर पार्क ने ट्रायल ओरिजिन के आधार पर सिक्स की को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, और सिक्स की ऊर्जा को फंडामेंटल ऊर्जा के रूप में जब इन्होंने देखा जी, तो उन्होंने सुजोग से भी बेहतर एक एनर्जी का ट्रीटमेंट खोज करके निकाला जिससे कि आप चलते फिरते कहीं भी आप कोई पर आप एनर्जी का मैग्नेट लगा करके तो या फिंगर्स को टच करके या कैसे भी आप ट्रीटमेंट कर। इसमें देखा गया है कि ट्रीटमेंट जैसे आपने पहले चार तरीके बताए उसमें वो ज्यादातर हाथ में ही करते हैं, तो लेफ्ट हैंड या राइट हैंड ऐसा कुछ जरूरी है? लेफ्ट हैंड में आप करते हैं, जैसे मान लिया अगर प्रॉब्लम लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट हैंड यूज करें, राइट साइड है तो राइट हैंड यूज करें। अच्छा, और कभी कभी अगर मान लिया बीच में है या होल बॉडी में है तो मेल के लिए लेफ्ट हैंड और फीमेल के लिए राइट हैंड यूज। अभी आपने जस्ट बताया कि हाथ के ऊपर दो अंगुली रख के कुछ इलाज के तरीके बता रहे बात कर रहे थे, तो वो क्या होता है? जैसे हमने देखा है सुजोग के अंदर पॉइंट के ऊपर अगर प्रेशर दिया तो सुजोग एक्यूप्रेशर हो गया, नहीं तो हमने देखा है छोटे चुंबक भी चिपकाते हैं पॉइंट के ऊपर, लेकिन आप दो अंगुली रखने की क्या बात बता रहे हैं? इसमें क्या है ना कि देखिए ये जो फिंगर है ना ये होमो हेट्रो फिर होमो हेट्रो होमो इस तरह से इसका है, ये मेल के केस में हेट्रो ये हो जाता है और ये होमो हो जाता है, ये हेट्रो हो गया और ये होमो हो गया। अगर ये दो उंगली को मेरिडियन पर अगर आपको इधर से चल रहा है इस जगह पर ड्यूल मेरिडियन में आपका लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, ये इधर से इसका फ्लोइंग डायरेक्शन है, तो अगर आप इस तरह से रखेंगे तो ये हेट्रो और ये होमो मिल करके क्या करेगा, इसको एनर्जी को सेडेट कर देगा। ओके, और इस तरह से अगर रख देंगे। अच्छा, ये ड्यूल मेरिडियन वही है जो चाइनीज में बॉडी के ऊपर मेरिडियन रहते हैं, वो छोटे सूक्ष्म रूप में हाथ के ऊपर रहते हैं, उनको ड्यूल बोलते हैं। ड्यूल
तो वही पॉइंट के ऊपर से आप एनर्जी की ये ये फिंगर से ही मतलब आप पैशन को रिलैक्स कर देते हैं। ओके भाई, आप इस तरह से भी करके आप इसकी एनर्जी को बड़ा घटा सकते हैं इस तरह से, यानी कि ये हेट्रो मित्रों ये सुजोग पद्धति तो बहुत अच्छी है। उसमें जो अभी ट्रेल सिक्स की जो एनर्जी लेवल की जो पार्क साथ लास्ट समय में लोगों को देखे गए हैं और उनकी बुक्स भी है मार्केट में, लेकिन ये पद्धति बहुत जबरदस्त है। आपने एक्यूप्रेशर बेसिक सीखा है तो सुजोग भी सीखिए, सुजोग का बेसिक सीखा है तो एडवांस लेवल थोड़ा और सीखिए, थोड़ा और सीखा है तो प्रमोद कुमार सिन्हा सर के जैसे मास्टर गुरु लोगों के संपर्क में आकर के ये फंडा क्लियर कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग हैं सालों से कर रहे हैं, लेकिन वो भी इनकी क्लास में आज की बात है बैठ के बहुत खुश होके गए और बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया। लोग जब थैंक यू बोलते हैं, मैं इस कुछ करता नहीं, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइज करता हूँ, बुलाता था, मैं स्टूडेंट को बुला लेता हूँ, सर को मुलाकात हो जाती हमारी, तो सामने से जब कॉम्प्लीमेंट मिलता है थेरेपिस्ट लोगों का जो 15-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दिल को बहुत आनंद आता है। अपना तो यही विजन है कि ये जो मास्टर लोग जिन्होंने पूरा अनुभव करके प्रैक्टिस कर करके रिसर्च करके वो कॉन्फिडेंस लिया है। अभी सर के साथ भी बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा पार्क साहब से, लेकिन ये इनका जो कॉन्फिडेंस और इन्होंने जितना थेरेपी के ऊपर अपना पकड़ पाया है और जिस तरीके से लोगों को देते हैं, ये एक वैल्यू सैल्यूट वाली चीज है कि सर आप दे देते हैं, बहुत जबरदस्त चीज मायने रखती है। आपको दोस्तों ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कि ये सर का फ्यूचर में हम क्लास रख रहे हैं, तो आप आइएगा, आपको टाइम बता दिया जाएगा, जगह भी बता दिया जाएगा और ये नंबर पे आप संपर्क में रहिए, बस यहाँ पर आपको मिलेगा जानकारी बिना दवा, बहुत और एडवांस मिलती रहेगी। मास्टर लोग अपने साथ है तो आप इसको सब्सक्राइब तो किए ही होगा, लाइक कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि और लोग आएंगे, बिना दवा से लोगों का फायदा होगा तो और क्या चाहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद।